हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो व्यूवर्स, आज के इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स थोड़ी देर पहले आपको लेकर क्या थी, किस एनर्जी में थे ये पर्सन थोड़ी देर पहले, यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम से हमारे पास आया है कम्प्लीशन एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं गाइडेंस, द माइजर, फ्लावरिंग एंड साइलेंस। ओके, तो यहाँ पर ना एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो इंसान थोड़ी देर पहले अपने किसी ना गुरु से गाइडेंस ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमारा फर्स्ट कार्ड ही गाइडेंस आ गया है। ये पर्सन आपके इसके रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी बातें करना चाहते थे उस इंसान से, ताकि वो इंसान इन्हें सही मशवरा दे सके, सही गाइडेंस दे सके, और यहाँ पर इस पर्सन को गाइडेंस मिली भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास गाइडेंस के साथ साथ नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो द माइजर आया है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके बारे में कि आप जिस किसी से भी बात करते हैं ना, जिस किसी से भी प्यार करते हैं, जिस किसी के साथ भी रहते हैं, बस उसी इंसान के होकर रह जाते हैं। तो आपके मन में ये डर आ जाता है उस पर्सन को खोने का, और यही डर इस पर्सन ने आपके मन में इस इंसान के लिए भी देखा है। यानी कि आपका पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को खोने से डरते हैं और इसे हमेशा ही अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना चाहते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है इस पर्सन की कि ये पर्सन आपके इस प्रोटेक्टिव नेचर से थोड़ा सा डर गए हैं, घबरा गए हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन पर कुछ ज़्यादा ही ना अपना हक जताने लग गए हैं। ये पर्सन किसी से भी बात करें आपको पसंद नहीं है। ये पर्सन आपसे दो पल के लिए भी अगर जुदा रहें तो आप परेशान हो जाते हैं। तो आपके दिल में जो एक डर है ना इस पर्सन को खो देने का, कि आप इस पर्सन को खो देंगे अगर ये कुछ दिन आपसे बात नहीं करेंगे, अगर ये पर्सन कहीं जाते भी हैं ना, आपको ये डर लगने लगता है कि कहीं ये पर्सन ज़िंदगी में वापस आपकी आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो ये जो डर है ना, इस पर्सन को खोने का डर आपके मन में आ चुका है और यही वो डर है जो इस पर्सन को आपका पसंद नहीं है। तो आप इस पर्सन को फ्रीडम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को काफ़ी घुटन सी महसूस हो रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप तो बस हर वक्त इस पर्सन को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते हैं, इस पर्सन को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, बंदिशों में बांध कर रख चुके हैं आप इस पर्सन को। तो ये पर्सन के आपके इस बिहेवियर से काफ़ी घबरा गए हैं, परेशान से हो गए हैं, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप जिस किसी से भी मिल रहे हैं, जिस किसी के साथ भी रहते हैं ना, बस उन लोगों के इर्द गिर्द ही रहना पसंद करते हैं। तो आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं आ रहे हैं। तो आप काफ़ी माइजर किस्म के इंसान हैं, चाहे वो लोगों को लेकर कंजूसी हो, या फिर रुपये पैसों को लेकर कंजूसी हो, या फिर किसी भी चीज़ से जो आपका एक जुड़ाव है ना, जो भी आपका एक अटैचमेंट है, वो इस कदर बढ़ता जा रहा है कि ये पर्सन घबरा सा गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप दोनों इन फ्यूचर एक नहीं हो पाए तो आप तो इस पर्सन के बिना रह ही नहीं पाएंगे, आप इस पर्सन को ब्लेम ही करते रहेंगे और आप तो अपनी ज़िंदगी ही ख़राब कर लेंगे। तो ये जो एक डर और फेयर इस पर्सन के अंदर है ना, इसके बारे में ही ये पर्सन गाइडेंस ले रहे थे कि ये क्या करें। आपके इस नेचर में थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं ये पर्सन, और इसी के बारे में ये पर्सन अपने ना किसी गुरु से गाइडेंस ले रहे थे थोड़ी देर पहले कि ऐसा क्या करें कि आप थोड़ा सा बदल जाएं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचने की कोशिश करें। और अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ है ना, तो भी इस पर्सन को ये डर रहता है कि अगर कभी ना कभी इस पर्सन को आपसे जुदा रहना पड़ा या अलग रहना पड़ा, किसी कारणवश कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि आपको कुछ टाइम के लिए इस पर्सन से अलग रहना पड़े, तो आप तो इस पर्सन के बिना रह ही नहीं पाएंगे। और ये पर्सन काफ़ी घबराते हैं आपके इस नेचर से, तो ये चाहते हैं कि आपके नेचर में कुछ बदलाव ला सके ये पर्सन। तो ये पर्सन आपको किस तरह से थोड़ा सा चेंज करे, किस तरह से आपको इस तरह से आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सके, तो इसके बारे में ही गाइडेंस ले रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं या प्यार नहीं करते हैं, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत पसंद करते हैं ये पर्सन। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास ना फ्लावरिंग आया है, तो देख रहे हैं ना ये पर्सन आपको इस रूप में देखता है कि
जब से आप इस पर्सन की ज़िंदगी में आए हैं, इस पर्सन की ज़िंदगी को खुशियों से महका दिया है, खुशबू से महका दिया है, तो ये पर्सन आपको एक ऐसे रूप में देखता है, एक ऐसा इंसान मानता है जिसने इस पर्सन की ज़िंदगी को ये बदल कर रख दिया है अपने प्यार से, अपनी केयर से, अपनी सपोर्टिव नेचर से। तो इस पर्सन को आपने बहुत कुछ दिया है, आपने इस पर्सन से ज़्यादा लिया नहीं बल्कि दिया बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। इसीलिए ये पर्सन भी आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा स्ट्रांग रहें और आप हर सिचुएशन के लिए ख़ुद को तैयार करें, ताकि कभी भी इन फ्यूचर आप पर कोई प्रॉब्लम आए ना तो आप उसे आसानी से फेस कर सकें। तो ये पर्सन आपको फुल कॉन्फिडेंट देखना चाहता है, आप जितने ब्यूटीफुल हैं ना उतने कॉन्फिडेंट भी रहें, तो ये पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट करता है। ओके व्यूअर्स, और नेक्स्ट कार्ड देख रहे हैं ना, हमारे पास साइलेंस है। तो जब कभी भी ये एकांत में बैठते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके इनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कि एक ठहराव सा इस पर्सन की ज़िंदगी में आ गया है, और इन फ्यूचर भी ये प्यार आपका इस पर्सन के साथ बना रहा ना, तो सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ होंगी और इसकी जो लाइफ है ना वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर बॉटम से हमारे पास कम्प्लीशन आया है, तो ये पर्सन आपके साथ में अपनी खुद की लाइफ को ना कम्प्लीट पाते हैं, बट कहीं ना कहीं ये डर और प्यार इस पर्सन में रहता है कि कहीं आप इस पर्सन के बिना रह ही ना पाएँ। तो जैसे कि दो जिस्म एक जान है ना, आप ऐसे बन गए हैं इस पर्सन के लिए। तो ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं, आप इनको खोने से डरते हैं, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि आप कुछ चीज़ों को ना प्रैक्टिकली डील किया करें, ज़्यादा मन से उन चीज़ों को ना करें। आप इतने ज़्यादा इमोशनल हैं ना कि आप छोटी छोटी बातों पर रो देते होंगे, आप छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, और यही वो चीज़ है जिसे ये बदलना चाहते हैं आप में। और इसी के बारे में थोड़ी देर पहले अपने गुरु से बातें कर रहे थे कि ये आपको स्ट्रांग देखना चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो गुरु से क्या गाइडेंस मिली है यही देखने की कोशिश करते हैं, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं इस रीडिंग में क्लैरिटी लाने के लिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पर्सन को क्या गाइडेंस मिली है और किस तरह से आप अपने इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ये पर्सन आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको ना थोड़ा सा आपके कंफर्ट जोन से बाहर लाना चाहते हैं, और इसी के बारे में थोड़ी देर पहले ये पर्सन बात कर रहे थे। तो यहाँ पर गुरु जी से इस पर्सन को क्या गाइडेंस मिली है, तो देखिए यहाँ हमारे पास गाइडेंस आया था और गाइडेंस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वांड्स ने, एंड द माइजर को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने, एंड फ्लावरिंग को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। तीनों ही किंग के कार्ड आ गए हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये अपने आप में काफ़ी अमेजिंग है। और साइलेंस को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ वांड्स ने, एंड बॉटम से हमारे पास आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यानी कम्प्लीशन को क्लैरिफाई किया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि आपका पर्सन आपकी तरफ जितना अट्रैक्टेड है ना उतना ही प्यार भी करते हैं, काफ़ी लवेबल इंसान है ये। आपकी ज़िंदगी में जब से आए होंगे आपने भी ये फील किया होगा कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए हर वो चीज़ करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं इस पर्सन से। तो आपकी ख्वाहिश होने से पहले ये पर्सन उस ख्वाहिश को आपकी पूरी कर देते हैं जो आपने कभी अपने मन में ही रखी हुई थी। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए ना एक ऐसा इंसान है जो किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं है, यानी कि आपके कहने से पहले ही ना ये पर्सन आपकी हर उस विश को पूरा करते हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं इस बात को। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर देखिए जो भी गाइडेंस मिली है ना इस पर्सन को आपके लिए, वो यही मिली है कि ये पर्सन आपसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें, थोड़ा सा दूरी बनाएं, दूरी मेंटेन करें, और फिर देखें कि आप इस पर्सन के बिना किस तरह से रहते हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन को ये भी गाइडेंस मिली है कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दें और थोड़ा सा ना आपके कंफर्ट जोन से बाहर लाने के लिए आपकी कुछ लोगों से फ्रेंडशिप कराएं, आप उनके साथ में थोड़ा घुलें मिलें, बातचीत करें, तब दुनिया को जानें, लोगों को जानें कि लोग किस किस तरह के हैं। ये जो आपका सीधा साधा बिहेवियर है ना, ये पर्सन थोड़ा सा चेंज भी करना चाहते हैं। इसके बारे में इन्हें गाइडेंस मिली है कि जब आप लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडशिप्स करेंगे, और इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा कम सोचेंगे, और जिस तरह का लगाव इस पर्सन के साथ आपका हो गया है कि आप इस पर्सन को एक पल भी अपने से जुदा नहीं रखते हैं ना, तो ये बिहेवियर में भी थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि आप इस पर्सन से थोड़ा डिटैच होकर
अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे और लोगों से जब बातचीत करेंगे, घुलेंगे मिलेंगे ना, तो थोड़ा इस पर्सन को भी स्पेस मिलेगा और ये पर्सन भी अपनी मन मर्जियाँ कर सकेगा। तो यहाँ पर इस पर्सन को यही गाइडेंस मिली है कि थोड़ा आपसे डिटैच रहने की कोशिश करें, थोड़ा सा स्पेस दें और ताकि आपको भी स्पेस मिल सके। तो ये गाइडेंस इस पर्सन को मिली है और इस पर्सन को ये भी गाइडेंस मिली है कि आपको फ्रीडम देकर देखें कि आप लोगों के साथ में किस तरह बिहेव करते हैं और इस पर्सन के लिए आपके दिल में फिर क्या फीलिंग्स रहेंगी, किस तरह के इमोशंस रहेंगे, क्या ये पर्सन बदल नहीं जाएगा या फिर ये वैसा ही प्यार करेगा इस पर्सन से। तो इस पर्सन के मन में ये भी एक इच्छा आपको जानने की जागृत हुई है कि इस पर्सन के बिना आप क्या करेंगे, किस तरह रहेंगे, क्या इस पर्सन को भुला देंगे या फिर इस पर्सन के लिए आपके दिल में जो प्यार और अट्रैक्शन है, जो खोने का डर है, क्या बाद में भी बना रहेगा या फिर आप चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक इस पर्सन ने आपको ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी थी। तो यहाँ पर ये पर्सन अब फ्रीडम देकर देखना चाहता है कि आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये आपको थोड़ा सा ना चेक करना चाहते हैं, थोड़ा सा देखना चाहता है ये पर्सन कि क्या कुछ आपके मन में है जो बाहर आ सके। तो ये आपके मन की निकलवाना चाहते हैं, आपके बिहेवियर को और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं और ज़्यादा आपको देखना चाहते हैं कि और कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं जो आपने दबा रखी हैं, उनको निखारना चाहता है ये पर्सन, बाहर लाना चाहता है। और इस पर्सन के साथ जो अटैचमेंट है, जो प्यार है, उसने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक किया है। तो ये आपके अंदर जो लो कॉन्फिडेंस देख पाते हैं ना, तो इस बिहेवियर को आपके ना फुल कॉन्फिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं। आप लो कॉन्फिडेंस से निकलकर फुल कॉन्फिडेंट हो जाएं अपनी ज़िंदगी को लेकर और अपने सपनों को पूरा करें। तो ये सपने पूरे होते हुए भी देखना चाहते हैं आपके। तो ये पर्सन चाहता है कि आप ना एक प्रैक्टिकल इंसान बने, ज़्यादा इमोशनल ना रहें, चीज़ों से जो आपका अटैचमेंट है वो थोड़ा सा डिटैच हो और आप थोड़ा सा इस पर्सन से दूर रहेंगे, थोड़ा स्पेस मिलेगा आपको, तो आप अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे और ये पर्सन भी अपने तरीके से थोड़ा अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर पाएंगे, जी पाएंगे। तो ये पर्सन भी आपसे थोड़ा डिटैच होकर देखना चाहता है अपनी ज़िंदगी के बारे में ना, आपसे थोड़ा दूर होकर सोचना चाहता है कि ये पर्सन क्या कुछ कर सकता है अपने जीवन में। तो यहाँ पर ये दूरियाँ ना इस पर्सन को ज़रूरी लग रही हैं और ये पर्सन चाहता है कि ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी को जो कंप्लीट करना चाहता है, कंप्लीशन चाहता है ना आपके साथ में, तो यहाँ पर पूरे दिल के साथ में ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे। और अगर अभी तक इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट इससे पहले ना ये पर्सन आपको और अच्छे से जानना चाहता है, समझना चाहता है, आपको फ्रीडम देखकर देखना चाहता है कि आप कैसे, किसके साथ कैसे रहेंगे, क्या इस पर्सन को भुला देंगे या फिर भी आपके दिल में वही प्यार, वही रिस्पेक्ट, वही केयर इस पर्सन के मन में रहेगी। तो ये चीज़ ये देखना चाहते हैं आप में सारी चीज़ें, इसीलिए ये पर्सन गाइडेंस ले रहे थे और इन्हें यही गाइडेंस मिली है कि आपको फ्रीडम देकर देखें कि आप अपने जीवन में फिर क्या करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये पर्सन आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, आपको अपना मानते हैं, आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं ये पर्सन आपकी और आपके साथ में अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन लाना चाहते हैं। तो ये पर्सन इसीलिए आपके बारे में अपने गुरु से गाइडेंस ले रहे थे और आपको फुल कॉन्फिडेंट देखना चाहते हैं ये पर्सन। और इसी के बारे में थोड़ी देर पहले ये पर्सन आपके बारे में बातें कर रहे थे और इन्हें बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस भी मिली है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर थोड़ा भी रेजोनेट की है, आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, आपको ये रीडिंग पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।